स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट पर। आज की कहानी है हमारे रक्त पिसाच के पार्ट टू के बारे में, और ये इस कहानी का अंतिम पार्ट भी है। ये कहानी मैंने खुद ही लिखी है और ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। कहानी को पूरा सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार की स्टोरी चाहिए। उस टॉपिक के बारे में मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूले। और आपके साथ अगर कोई ऐसी भूतिया इंसिडेंट हुए हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको पार्ट वन और पार्ट टू का पूरा समरी इंट्रो दे देती हूँ कि सोहन और उसकी गाय कैसे हुए लापता। नील वन में जाने वाला हर इंसान किस तरह से हो रहा था लापता, और आखिर वो इंसान जा कहाँ रहे थे, और कौन थी प्रिया। केसरगढ़ में रात को निकलना क्यों लोगों ने बंद कर दिया था, और रात में आखिर ऐसा क्या होता था जिसकी वजह से सुबह सुबह नील जंगल में बहुत सारा खून मिलता था। अगर प्रिया मर चुकी है तो फिर रोज रात को प्रिया के चिल्लाने की आवाज क्यों आती है, रोज रात को किसके दहाड़ने की आवाजें आती है, और क्या नए फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित और रोहन जानवर और इंसान जो कि लापता हो चुके हैं उन्हें ढूंढ पाएंगे, और रोशन के घर के छपरों में से किसका खून बह रहा था, रोशन आखिर कौन था, कैसे रोशन खुद ही खुद की लाश सुमित को दिखाता है, और आखिर क्यों थे सब लाशों में दांतों के निशान कॉमन। क्या सुमित भी जिस तरह से केसरगढ़ के लोग लापता हो रहे थे वैसे ही लापता हो जाएगा, या फिर वो इस रहस्य पर से पर्दाफाश कर पाएगा। ये जो मैंने आपको स्टोरी के बारे में एक समरी दी है इसमें आपको आज सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि यही रक्त पिशाच का अंतिम भाग भी है। तो इस स्टोरी को पूरा सुनने के बाद आपको बहुत मजा भी आने वाला है और आपके रोंगटे भी खड़े होने वाले हैं और आपको काफी डर लगेगा। ये कहानी मैंने बहुत मेहनत से लिखी है, इसीलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, और पूरा सुनने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगती है। और हाँ, अगर आपने इस कहानी का पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पार्ट वन भी देख लीजिएगा, और अगर आपने पार्ट वन देख भी लिया है तो भी 4-5 दिन का गैप हो चुका है वीडियो में, तो मैं आपको पार्ट वन का रीकैप भी दे देती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा किस तरह से जंगल में जाने वाले सारे लोग लापता हो रहे थे, और किस तरह रणविजय के कांस्टेबल और शिकारी भी मारे गए थे, और किस तरह रोज रात को लगातार जंगल से खून बहे जा रहा था, रोशन किस रक्त पिशाच की बात कर रहा था, और जो रोशन बोल रहा था क्या रोशन सच में खुद ही रक्त पिशाच था, और किस तरह से रोशन के छपरों में से रोशन का ही खून बहकर नीचे गिर रहा था, किस तरह फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित को अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन की लाश मिलती है, और जब सुमित बाकी लोगों की लाश ढूंढने के लिए गुस्से में रक्त पिशाच को खत्म करने के लिए गुफा में पहुंचता है, और वहां सुमित एक रक्त पिशाच जैसे आदमी को देखता है जिसके हाथ में चाकू था, और पत्थर अपने आप ही गुफा के ऊपर आ जाता है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है, और इसी वक्त रक्त पिशाच सुमित की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी तो आगे क्या होता है, क्या सुमित जिंदा बच पाया या रक्त पिशाच ने सुमित को मार डाला। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारी कहानी का ये अंतिम भाग शुरू करते हैं। जब गुफा पत्थर से पूरी तरह से ढक चुकी थी और अब सुमित के पास इस गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो ये देखकर सुमित दरवाजा खोलने की, उस पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश करता है। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, उसे यकीन हो चुका था कि हो ना हो उसके सामने जो खड़ा था वो रक्त पिशाच ही था, और वो अंधेरे में भी किसी रक्त पिशाच जैसा ही दिखाई दे रहा था। सुमित बहुत ज्यादा डर चुका होता है, उसके दिल की धड़कने तेज हो जाती है, वो हांफने लगता है, और उसे ये लग रहा था कि अब उसकी मौत बहुत करीब है और ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। और फिर वो रक्त पिशाच चाकू लेकर सुमित के पास आने लगता है, और अचानक से भागकर वो सुमित के पास आ जाता है, और वो रक्त पिशाच सुमित को चाकू मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी सुमित को किसी ने बाहर खींच लिया, वो सामने देखता है तो वहाँ रणविजय ही होता है। सुमित को रणविजय ने ही बाहर खींचा था। इंस्पेक्टर रणविजय सुमित से पूछते हैं, सुमित क्या हो गया।
सुमित घबराते हुए उन्हें गुफा की ओर इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन अब वहाँ पर गुफा के ऊपर कोई भी बड़ा सा पत्थर नहीं होता। गुफा बिल्कुल खुली हुई नजर आ रही थी और वहाँ कोई भी रक्त पिशाच भी नहीं खड़ा था। फिर सुमित रणविजय से कहता है, मैंने अभी यहाँ रक्त पिशाच को देखा था। इस बात पर इंस्पेक्टर रणविजय सुमित से कहते हैं, तुम्हें वहम हुआ है और तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए। तुम एक फॉरेस्ट ऑफिसर हो सुमित, जो हो गया सो हो गया, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और सुमित तुम मुझे ये बताओ कि तुम गुफा में खड़े खड़े चिल्ला क्यों रहे थे। ये सुनकर सुमित डरते हुए कहता है, सर मैं सच बोल रहा हूँ, वो रक्त पिशाच मुझे मारने आने ही वाला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुफा के ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर आ गया था। इस बात पर रणविजय कहता है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तुम खुद ही देख लो, गुफा तो खुली हुई है, कहाँ है वो पत्थर, तुम चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। फिर आगे रणविजय कहता है, सुमित जब तुम वहाँ से निकले थे तो तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अपने हाथ में चाकू लेकर निकले थे। मुझे लगा कि कहीं गुस्से में बदले की आग में तुम किसी मासूम की जान ना ले लो, और इसीलिए मैं तब से ही तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा था और यहाँ तक मैं तुम्हें फॉलो करते करते ही पहुँचा हूँ। उसके बाद जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम गुफा के अंदर जा रहे हो और गुफा में जाने के बाद तुम जोर जोर से चिल्लाने लगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बाहर खींच लिया। अब सुमित इंस्पेक्टर रणविजय से कहता है, जब मैं गुफा के अंदर गया था तो अजीब से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और दूर कुछ गिरने की आवाज आ रही थी, जैसे कि पानी गिर रहा हो। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर रणविजय कहते हैं, सुमित तुम गुफा के अंदर मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, क्या पता लापता हुई वो लाशें गुफा के अंदर ही हमें मिल जाए। और फिर ये सोचकर वो दोनों भागकर गुफा के अंदर चले गए। इंस्पेक्टर रणविजय ने टॉर्च की और वो गुफा के काफी अंदर जा चुके थे, पर अभी तक उन दोनों को कोई भी लाशें नहीं मिली थी। अचानक उन दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास से भाग कर गुजरा हो। और उसके बाद इंस्पेक्टर रणविजय जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगते हैं, कौन है वहाँ। लेकिन तभी पूरी गुफा में जोर जोर से हंसने की आवाजें गूंजने लगती है। अब रणविजय टॉर्च को बार बार चालू करने की कोशिश कर रहा था और सुमित को ऐसा लग रहा था जैसे दूर कोई अंधेरे से धीरे धीरे उसके पास चलकर आ रहा है। अब रणविजय की टॉर्च चालू ही नहीं हो पा रही थी और धीरे धीरे वो रक्त पिशाच सुमित की ओर ही आगे बढ़ रहा था। बस वो रणविजय और सुमित के पास पहुंच ही गया था तभी अचानक से रणविजय की टॉर्च चालू हो जाती है। जैसे ही टॉर्च चालू होती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पास तो आ रहा था, लेकिन अब वो उड़कर कहीं और चला गया। ये देखकर अब इंस्पेक्टर रणविजय को भी बहुत डर लगने लगता है और उसे भी समझ आ गया था कि हो ना हो इस गुफा में जरूर एक रक्त पिशाच का वास है। रणविजय डरते डरते कह रहा था, कौन है वहाँ, कौन है। ऐसे ही वो चारों तरफ टॉर्च मार रहा था। तभी जैसे ही उन्होंने सामने टॉर्च की तभी उन्हें दूर कहीं ऐसा लगा जैसे कुछ पड़ा है। सुमित और रणविजय भागकर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाकर जो वो देखते हैं उसे देखने के बाद वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाशें एक साथ पड़ी थी। उन लाशों को देखकर इंस्पेक्टर रणविजय शॉक हो जाता है, क्योंकि रणविजय के कांस्टेबल और रणविजय ने जो कुछ शिकारी भेजे थे उनकी लाशें भी वहीं पड़ी थी, बल्कि गांव में जितने भी लोग लापता हो रहे थे सब की लाशें उसी जगह पर मौजूद थी और उन सब की लाशों में से लगातार खून बह रहा था। अब सुमित भी रणविजय के कुछ कांस्टेबल्स को जानता था और उनकी लाशें देखकर सुमित भी हक्का बक्का रह जाता है। वहाँ पर कई सारे जानवरों की भी लाशें पड़ी थी और सबकी लाशें इस तरह पड़ी हुई थी जैसे ऐसा लग रहा हो कि इन लाशों को किसी ने खाया हो, और लाशें पूरी तरीके से कटी फटी हुई हालत में थी। रणविजय तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और अपने कांस्टेबल को फोन करके वहाँ बुलाते हैं और कुछ ही देर में एम्बुलेंस और कांस्टेबल की गाड़ियाँ
वहाँ पर पहुँच जाती है। ये सब देखकर केसरगढ़ के सारे लोग भी जंगल के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और अब केसरगढ़ गांव के लोग भी मिलकर उन लाशों को उस नील वन से निकालने में उनकी मदद करने लगते हैं। अब सबकी लाशें मिल चुकी थी। अब धीरे धीरे कांस्टेबल की मदद से, एम्बुलेंस के लोगों की मदद से, गांव वालों की मदद से सारी की सारी लाशों को गुफा से बाहर निकालकर जंगल से भी बाहर ला दिया गया था। गांव में जितने भी लोग लापता हुए थे सबकी लाशें वहीं पर थी। अब सब के सब लोग मर चुके थे। उनके परिवार वाले अपने प्रियजनों की लाशें अपनी आंखों के सामने देखकर जोर जोर से रो रहे थे और पूरे केसरगढ़ गांव में मातम छा चुका था। ये सब देखकर सुमित को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। कुछ परिवार वाले रोते रोते उन लोगों के अंतिम संस्कार कर रहे थे। कुछ लाशों को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, कुछ को जमीन में दफनाया जा रहा था। पूरे गांव में सब लोग रो रहे थे। अपने करीबी की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर सबका दिल दहल उठा था। तभी जोरदार चिल्लाकर एक बुजुर्ग ने कहा, हो ना हो, ये सब प्रिया की मदद से रक्त पिसाच ने ही किया होगा। और ये सुनकर सुमित भागकर उस बुजुर्ग के पास जाता है और वो बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि वही राम प्रसाद ही था। अब सुमित पूछता है, आप क्या बोल रहे हो राम प्रसाद जी? तभी बाकी सारे गांव वाले फिर से राम प्रसाद को बोलने से रोकते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं कह रहे। ये सुनकर अब सुमित जोर से चिल्लाकर गुस्से में कहता है, जो है सब कुछ सच सच बता दो ना, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मुझे जंगल की देखभाल के लिए रखा गया है। इतनी सारी लाशें आप लोगों की आंखों के सामने होने के बावजूद आप इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस जंगल की सारी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए, मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। क्या आप रक्त पिशाच और प्रिया की बातें कर रहे हैं? मैं इस मामले के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैंने अपने प्रिय दोस्त को खो दिया है, क्या अब भी आप लोग इसी तरह चुप रहेंगे? इतने सारे लोगों की मौतें हो चुकी है, एक एक करके लोग लापता हो रहे हैं, इतनी बेदर्दी से उन्हें मारा जा रहा है, अब भी आप लोग चुप रहेंगे? अगर आज भी आप लोग चुप रहे ना तो कल अगला नंबर आपका हो सकता है। सुमित की ये सारी बातें सुनकर अब राम प्रसाद बोलना शुरू करता है। तो अब जो राम प्रसाद बोलने वाला है हम इसे राम प्रसाद के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये बात 25 साल पुरानी है। तब मैं नया नया ही केसरगढ़ गांव में रहने आया था। मैं जहाँ रहता था उसके थोड़ी सी दूर आगे ही नील वन था। जंगल के थोड़े से अंदर ही एक घर था। उस घर में एक प्रिया नाम की औरत रहा करती थी। हम लोगों से वो ज्यादा बातें भी नहीं करती थी, वो ज्यादातर इस नील जंगल में ही रहा करती थी। जब कोई भी रात को नील वन के पास से गुजरता था तो अंदर से अजीब अजीब सी गुर्राने की आवाजें आया करती थी। थोड़े बहुत लोग तो जंगल में भी चले जाते थे ये देखने की आवाजें कहां से आ रही है, पर उनको वहां कुछ भी नहीं दिखता था। फिर वो लोग वापस गांव में आ जाया करते थे। अब धीरे धीरे रात को आवाज आना एक नॉर्मल चीज ही बन चुकी थी। कभी रात में चिल्लाने की आवाज आती थी तो कभी गुर्राने की आवाजें आती थी। एक दिन हमने गांव में प्रिया को देखा। तब कुछ गांव की औरतें प्रिया से पूछने लगी, रोज रात को जंगल में से इतनी ज्यादा अजीब आवाजें आती है, तब भी तुम अकेले उस घर में कैसे रह लेती हो? इस बात का हमेशा प्रिया एक ही जवाब देती थी कि मुझे तो कोई आवाज नहीं आती और मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। अब ये तो आम बात हो गई थी। एक दिन मैं काम करके अपने घर लौट रहा था। लगभग शाम के 7 बजने को आए होंगे। मैं चलते चलते नील वन के एकदम पास पहुंच गया था। मैंने अचानक से देखा कि वहां दूर कोई खड़ा है जिसके दो दांत आगे निकले हुए हैं, बाल लंबे लंबे हैं।
मुंह से खून निकल रहा है और वो पूरी तरीके से डरावना दिख रहा था। ये देखकर मैं बहुत जोर से चिल्लाया और उस चिल्लाने की आवाज से वो वहां से उड़कर कहीं चला गया। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया था और मैं वही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह पर किसी ने पानी के छींटे मारे। फिर मेरी आंख खुली तो आजू बाजू सारे गांव के लोग खड़े थे। मैं बैठा और फिर सबके सब मुझे पूछने लगे, तुम बेहोश कैसे हो गए, क्या हुआ? और फिर मैंने उनको सब कुछ बताया, पर किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पूरे गांव में सिर्फ मैं एक ही इंसान था जिसने ऐसे किसी आदमी को देखा था, इसीलिए सब लोगों ने मेरी बात को वहम का नाम दे दिया। लेकिन मेरे साथ ये घटना हुई उसके दूसरे दिन ही किसी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जब हम सब लोग वहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति नील वन के बिल्कुल सामने गिरा हुआ था। हमने उसके ऊपर पानी मारा, वो उठा और उसने भी ठीक वही कहा जो मैंने गांव वालों से कहा था, कि उसने भी एक विशाल कद के भयंकर डरावने आदमी को देखा। अब तो ये बात लगातार दो लोगों ने कह दी। दो लोगों के साथ लगातार ये हादसा हो चुका था। अब तो गांव वालों को भी थोड़ा सा डर लगने लगा, लेकिन फिर भी सबने इस बात को टाल दिया। और फिर कुछ दिनों बाद तो ये चीज सामान्य ही हो गई। किसी को कोई पिशाच जैसा आदमी दिखाई देता तो किसी को रात को जंगल में एक आदमी उड़ते हुए दिखाई देता। धीरे धीरे पूरे गांव में इस बात का खौफ फैल चुका था और रात 8 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। सबका मानना था कि रात 8 बजे के बाद नील वन में पिशाच दिखाई देता है, पर अभी तक गांव वालों को ये बात बिल्कुल अच्छे से पता नहीं चल पा रही थी कि आखिर प्रिया अकेली उस जंगल में रह कैसे पा रही है। और जैसे तैसे करके हम जब भी प्रिया से ये पूछते कि तुम अकेले वहाँ कैसे रह लेती हो, क्या तुम्हें पिशाच जैसा कोई आदमी नहीं दिखाई देता, लेकिन इस बात पर वो हमेशा यही कहती कि ना तो मुझे कोई आवाज आती है और ना ही मुझे रात में कोई दिखाई देता है। पर जब भी रात के 10 या 11 बजते थे तो नील वन में से अचानक से मंत्रोच्चारण की आवाजें आने लगती थी, लेकिन गांव में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो नील वन में जाकर उस आवाज का पीछा करे और पता लगाए कि आखिर ये आवाज आती कहां से है। अब तो हर रात जंगल से मंत्रोच्चारण की आवाजें आने लगी थी और देखते ही देखते धीरे धीरे अब गांव में जानवर गायब होने शुरू हो गए थे और सुबह सुबह नील वन से बहुत सारा खून बहता हुआ दिखाई देता था। अगर कोई जानवर को ढूंढने की कोशिश भी करता तो हमेशा नाकामयाब ही रहता। कहीं पर भी जानवरों की लाशें तक नहीं मिल रही थी। अब पूरा गांव दहशत से भर चुका था। पूरे गांव में से एक इंसान ने हिम्मत दिखाई और उसने कहा, आज रात को मैं नील वन में जाऊंगा और पूरी रात वहीं रहूंगा और देखूंगा कि कहां से मंत्रों की आवाज आ रही है और वो पिशाच जैसा आदमी आखिर है कौन। रात होती है और रात 10 बजे वो व्यक्ति नील वन निकल जाता है और नील वन के सामने केसरगढ़ के कुछ लोग भी खड़े रहते हैं। करीबन 20-30 मिनट के बाद वो व्यक्ति भागते हुए नील वन के बाहर आता है और आते ही सीधा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब केसरगढ़ के लोग उसे जैसे तैसे उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वो बताते हुए कहता है कि जब मैं जंगल के अंदर गया तो वहाँ पर एक जगह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। मैं जब उस खून का पीछा करता गया तब मैं सीधा प्रिया के घर के सामने पहुंचा। वहां पर भी खून पड़ा था और वो खून प्रिया के घर से ही निकल रहा था। जैसे ही मैंने प्रिया के घर की ओर देखा, उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था
और सामने कोई पिशाच जैसा आदमी खड़ा था और उस भयानक आदमी को देखकर मैं बहुत डर गया और सीधा भागकर नील वन से बाहर ही आ गया। अब तो गांव वाले भी ये बात समझ चुके थे कि हो ना हो इस जंगल में उसी पिशाच का वास है। अब गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। योजना ये थी कि रात 10 बजे जो भी ये मंत्र जाप कर रहा है या जो भी ये पिशाच है उसे आज हम लोग मिलकर खत्म कर देंगे और अपने गांव की रक्षा करेंगे। और उसके बाद रात 10 बजे 5 लोग मिलकर उस नील जंगल में जाने वाले थे और एक मैं भी था, यानी कि रामप्रसाद। मैंने अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया और उसमें धागे भी बांध दिए गए। हमने पूरे दिन रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, रात के 10 बजे मैं और मेरे साथी मिलकर कुछ हथियार लेकर, वो त्रिशूल लेकर, टॉर्च लेकर जंगल के लिए निकल गए। जैसे ही हम नील वन में पहुंचे तो मेरी आंखों के सामने ही मेरे बाकी 4 दोस्तों को कोई पिशाच जैसा दिखने वाला आदमी उठाकर लेकर चला गया। मैं इधर उधर देख रहा था पर वहां आसपास कोई भी नहीं था। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। अचानक से मेरे सामने एक लाश आकर गिरी और वो लाश मेरे दोस्त की ही थी। और देखते ही देखते एक और लाश आकर गिरी और ऐसे करते करते 3-4 लाशें गिरी और मेरे सारे दोस्तों की लाशें अब मेरी आंखों के सामने थी। अब ये भयंकर नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं डर के मारे वहां खड़े खड़े कांप रहा था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं भी जंगल से भागने के लिए टॉर्च को ऑन करने लगा लेकिन तभी वो पिशाच मेरे सामने आकर खड़ा हो गया जो मेरे दोस्तों को लेकर गया था। मैं डरते डरते अपनी टॉर्च से इधर उधर कर रहा था और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पिशाच के मुंह पर गई वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। और फिर मुझे दोबारा जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आने लगी। मैंने अपने बाजू से वो त्रिशूल उठाया और मैं सीधा ही प्रिया के घर के सामने पहुंच गया। मैंने देखा कि प्रिया कुछ राख हवन कुंड में डाल रही थी। उसके आसपास ढेर सारा काला जादू का सामान पड़ा था और वो लगातार जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। ये देखकर मैंने अपना आपा खो दिया और मैं सीधा त्रिशूल लेकर भागने लगा और मैंने प्रिया को मार डाला। मैंने लगातार 3-4 बार त्रिशूल से प्रिया के ऊपर वार किया और देखते ही देखते प्रिया की मौत हो गई। फिर मैं वहां से भागते हुए नील वन से बाहर निकल रहा था। भागते भागते वो पिशाच बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था लेकिन पता नहीं कैसे जब भी टॉर्च की रोशनी उस पिशाच के मुंह पर पड़ती वो गायब हो जाता। और जैसे तैसे करके मैं भागकर नील वन से बाहर आ गया था। मैं गांव में आया और उसके बाद मैंने सारे गांव वालों को सारी घटना बताई। सुबह होते ही कुछ गांव वाले और मैं नील वन में पहुंचे। गांव वालों ने मेरे चारों दोस्तों को समाधि दी और प्रिया को उसी के घर के पास में गड्ढा खोदकर वहीं उसकी लाश को दफना दिया और उस गड्ढे को भर दिया। अब रात को मंत्रोच्चारण की आवाजें भी नहीं आती थी पर वो पिशाच हर रात को दिखाई देता था। और रात को अगर गलती से भी कोई भी नील वन के पास भी चला जाता था तो वो पिशाच उसे मौत के घाट उतार देता था। ये सब देखकर मैं और गांव वाले ये निश्चय करते हैं कि हम किसी जाने माने तांत्रिक को बुलाएंगे और इस पिशाच से केसरगढ़ गांव को मुक्त करेंगे। रात होते ही तांत्रिक वहां पहुंचता है और तांत्रिक सबसे कहता है कोई भी अपने अपने घर से बाहर मत निकलना। और उसके बाद
वो तांत्रिक नील वन की ओर चला जाता है। मैं, मेरा परिवार और सारे गांव वाले रात को अपने अपने घर पर ही थे और हम सबको नील वन से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी, चिल्लाने की, हंसने की, रोने की, लगातार मंत्र बोलने की। पूरी रात यही आवाजें होती रही, हम में से कोई भी नहीं सोया। लगभग सुबह 7-8 बजे वो तांत्रिक लंगड़ाते हुए केसरगढ़ गांव तक पहुंचा और उस तांत्रिक ने हम लोगों से सिर्फ इतना ही कहा कि अब कई सालों तक ये गांव उस पिशाच से मुक्त हो चुका है, पर कुछ सालों के बाद वो पिशाच फिर से आ सकता है, तो अपनी जान की सुरक्षा हमेशा करते रहना। और ये पिशाच रक्त पिशाच है। और फिर वो तांत्रिक मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा और हमारे सामने ही गिर गया। हम सब लोगों ने मिलकर उस तांत्रिक को देखा तो उस तांत्रिक की मौत हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने उस तांत्रिक को भी सम्मान पूर्वक समाधि दे दी। कुछ दिनों तक जंगल में अजीबो गरीब आवाजें आती रही, पर धीरे धीरे अब सब कुछ खत्म हो चुका था। लोग रात को नील वन बेफिक्री से चले भी जाते थे और सही सलामत वापस भी आ जाते थे। और धीरे धीरे उस बात को कई साल बीत गए और फिर हम लोग भी इस बात को बुरा सपना समझकर भूल गए। तो अब हमने राम प्रसाद के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 साल पुरानी रक्त पिशाच की वो कहानी भी सुन ली। तो अब हम फिर से स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद ये सब कुछ कहकर चुप हो जाता है और जैसे ही राम प्रसाद चुप होता है तो केसरगढ़ के कुछ लोग भी राम प्रसाद की बात से सहमति जताते हैं और केसरगढ़ के बाकी कुछ बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं कि जब उस तांत्रिक ने हम लोगों से ये कहा कि पिशाच अब जा चुका है तब तो हम लोगों में डर था, पर जब धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया तो हमें भी लगा कि हो सकता है कि अब वो रक्त पिशाच सच में चला गया हो और अब उस रक्त पिशाच का कहर केसरगढ़ में दोबारा नहीं पड़ेगा। लेकिन उस तांत्रिक की बात सही हुई, रक्त पिशाच फिर से नील वन में आ गया है। पर अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि रक्त पिशाच के साथ साथ प्रिया भी वापस कैसे आ गई। अब सुमित भी इस बारे में सोच रहा था, तभी इंस्पेक्टर रणविजय सुमित के पास आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है, आपको कौन से टॉपिक्स पर हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो वीडियो की रिच थोड़ी बढ़ जाती है और इससे मेरे वीडियो पे ज्यादा व्यूज आने में मुझे हेल्प मिलती है। तो इसीलिए लाइक करके, कमेंट करके मेरे वीडियोस की रिच बढ़ाने में मेरी मदद जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि रणविजय सुमित के पास आकर क्या कहते हैं। रणविजय कहता है, सुमित जल्दी से फॉरेंसिक लैब चलो। इस बात पर सुमित पूछता है, क्या हो गया सर? तभी रणविजय कहता है, यहाँ बोलना सही नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फॉरेंसिक लैब चलो। और ये बोलकर रणविजय कार में बैठता है और पीछे पीछे सुमित भी कार में बैठ जाता है और अब कार सीधा फॉरेंसिक लैब के सामने ही आकर रुकती है। सुमित अब भाग कर फॉरेंसिक लैब तक पहुंचता है। जैसे ही सुमित फॉरेंसिक लैब पहुंचता है तब इंस्पेक्टर रणविजय सुमित से कहते हैं, जितनी भी लाशें हमने एम्बुलेंस में भेज दी थी या जिनके परिवार ही नहीं थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उन लाशों को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाए। और उसके बाद फॉरेंसिक लैब वालों ने मुझसे ये बात कही है कि इन सारी लाशों में एक चीज कॉमन है और वो चीज है दांतों के निशान। सारी लाशों के गलों में दांतों के निशान है। फॉरेस्ट ऑफिसर रोहन भी और जितने भी लोग लापता हुए थे उनके भी और तो और जानवरों के गले पर भी दांतों के निशान कॉमन है। और फॉरेंसिक लैब वालों ने ये बताया कि दांतों के निशान ऐसे हैं जैसे कि शरीर में से सारा खून निकाल लिया गया है या फिर पी लिया गया है।
और फिर रणविजय कहते हैं कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि जिन लाशों का अंतिम संस्कार भी हो चुका है उनके भी गले पर यही निशान होंगे। यानी हमें इतना तो क्लियर हो चुका है कि मारने वाला रक्त पिशाच ही है और एक पिशाच गले पर ही हमला करता है। फिर इंस्पेक्टर रणविजय सुमित को साइड में ले जाकर कहते हैं, अब हमें केसरगढ़ गांव को मुक्त करना होगा और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, पर इसमें हम दोनों की जान भी जा सकती है। लेकिन अगर हम इस प्लान में सक्सेसफुल हो गए तो हम केसरगढ़ गांव के लोगों को उस रक्त पिशाच से मुक्त कर पाएंगे। क्या पता आज रात वो रक्त पिशाच मर जाए और प्रिया की आत्मा भी उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। फिर सुमित कहता है, लेकिन सर कौन सा आइडिया? इस बात पर इंस्पेक्टर रणविजय कहता है, मैं आज 25 पहलवानों को जंगल में बुलाऊंगा। मैं और तुम भी रात को पहलवानों के साथ ही जंगल में जाएंगे। रक्त पिशाच हमेशा गले पर काटता है, तो आइडिया ये है कि पहलवानों के गले पर हम लोखंड का पट्टा बांधेंगे और उसके बाद जैसे ही रक्त पिशाच खून पीने के लिए उन लोगों के गले पर अटैक करेगा तो उसे खून पीने को नहीं मिलेगा, और जब वो खून पीने की कोशिश कर रहा होगा तभी मैं हर एक पहलवान के हाथ में बड़े बड़े हथियार भी दूंगा और वो एक साथ उस रक्त पिशाच को उस हथियार से मारने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हम उस रक्त पिशाच को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर रक्त पिशाच उन पहलवानों को या हम दोनों को मारने में सक्षम हो गया तो हमारी मौत हो सकती है। तो अब आइडिया तुम्हें कैसा लगा ये तुम ही बताओ सुमित। फिर सुमित ने कहा, सर प्लान तो बहुत अच्छा है, जानलेवा है, लेकिन हमें हमारी जान को जोखिम में डालना ही होगा। और फिर रणविजय और सुमित वहां से निकलते हैं और केसरगढ़ के गांव वालों को भी ये सारी बात बता देते हैं। अब केसरगढ़ के कुछ लोग भी इस चीज में शामिल होने के लिए सुमित से कहते हैं। केसरगढ़ के लोग कहते हैं कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हो, आप जंगल की देखभाल करते हो, हमें भी आपके साथ रक्त पिशाच को खत्म करने के लिए आपके साथ आना है। आज हम भी उस रक्त पिशाच के खिलाफ आपके साथ लड़ना चाहते हैं। हमारे लिए इस जंगल को उस रक्त पिशाच से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए हम लोग भी आपका साथ देंगे। ये बात सुनकर सुमित कहता है, अच्छा ठीक है, आप लोग हमारे साथ आ सकते हो। अब सुमित के मन में भी यही विचार आ रहा था कि आज की रात कयामत की रात होगी, या तो आज मेरी जान जाएगी या फिर रक्त पिशाच की। और देखते ही देखते अब रात भी हो जाती है और अब शुरू होती है एक कयामत की रात। केसरगढ़ के लोग और रणविजय कुछ 30 पहलवानों के साथ जंगल में पहुंचते हैं और साथ में फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित भी जंगल पहुंच जाता है। और जैसे ही सब लोग जंगल में पहुंचते हैं, रणविजय उनके गले में एक लोखंड का पट्टा बांधता है जिसके ऊपर ढेर सारे कांटे लगे होते हैं और सबके हाथ में बहुत ही खूंखार हथियार देता है। और अब सब रक्त पिशाच की तलाश में उस जंगल में खड़े थे। तभी इंस्पेक्टर रणविजय कहते हैं, अब सब अलग अलग हो जाओ ताकि जहां से भी रक्त पिशाच आएगा हम उसे मार पाए। और ये सुनकर अब सब अलग अलग हो जाते हैं। सुमित अकेले ही कहीं और चला जाता है। सुमित को कब से वो रक्त पिशाच कुछ पेड़ों के पीछे से देख रहा था और अब सुमित को भी वो नजर आ चुका था। अब सुमित देखता है कि वो 30 पहलवान एक साथ ही चल रहे होते हैं। अब सुमित भी चलते चलते उन 30 पहलवानों के पास ही पहुंच जाता है और कहता है, जंगल है, घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि मैं कब आप लोगों के साथ आ गया। तभी एक पहलवान चिल्लाता है, प्रताप कहाँ गया? तब सुमित पूछता है, कौन प्रताप? तो वो पहलवान कहता है, हमारा एक पहलवान साथी प्रताप, वो गायब है। और अचानक से खून से भरे हुए उस पहलवान प्रताप की लाश ऊपर से गिरती है। उसके सारे साथी देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रताप की ही लाश थी। अब उन सारे पहलवानों को पेड़ पर वो पिशाच दिखाई देने लगा और अब वो सारे पहलवान उस रक्त पिशाच के ऊपर अपने हथियार फेंकने लगे। लेकिन जैसे ही वो हथियारों से रक्त पिशाच पर वार करने लगे तो रक्त पिशाच वहां से उड़कर चला गया और उनके सारे हथियार भी अब दूर जाकर गिर गए।
देखते ही देखते उनका एक और पहलवान वहां से गायब हो गया और धीरे धीरे करते करते लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर ही सुमित के सामने ही 30 के 30 पहलवानों की लाशें उसके सामने आकर गिर जाती है। अब वो भागते भागते इंस्पेक्टर रणविजय को ढूंढ रहा होता है, तभी वो एक चीज से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और फिर वो देखता है कि जितने भी प्रतापगढ़ के लोग रक्त पिशाच को मारने के लिए उनकी मदद करने आए थे, उनकी लाशें भी वहीं पड़ी है। अब सुमित को ये पता चल चुका था कि वो रक्त पिशाच बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब वो वहां से जैसे तैसे उठता है और रोते रोते भागते भागते इंस्पेक्टर रणविजय को ढूंढ रहा होता है। वो काफी आगे तक चला जाता है, फिर उसे दूर इंस्पेक्टर रणविजय खड़े दिखाई देते हैं। सुमित भागकर रणविजय के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। अब वो दोनों काफी डर चुके होते हैं क्योंकि उनके साथ जितने भी लोग आए थे वो सब मारे जा चुके थे। अब सिर्फ ये दो लोग ही बचे थे और उनके पीछे से ही उन्हें रक्त पिशाच के दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। ये देखकर अब वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और तेजी से वहां से भागने लगते हैं और फिर वो सीधा ही केसरगढ़ गांव में पहुंचकर रुकते हैं। वो रक्त पिशाच भी उनका पीछा करते करते केसरगढ़ तक भी पहुंच जाता है। तभी रणविजय एक हथियार उठाकर रक्त पिशाच की ओर फेंकता है, लेकिन वो पिशाच एक औरत के साथ सीधा उड़कर जंगल के अंदर चला जाता है। अब सुमित और रणविजय बस भागते जा रहे थे। भागते भागते ही अब वो केसरगढ़ का कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं और काफी आगे तक चले जाते हैं और भागते भागते ही उन्हें रास्ते में एक तांत्रिक दिखाई देता है। उन दोनों को ऐसे भागते हुए डरा सहमा घबराया हुआ देखकर वो तांत्रिक उन दोनों को रोकता है। तभी रणविजय कहता है, दरअसल हमारे साथ अभी तक रणविजय ने सिर्फ इतना ही कहा था। उससे पहले ही वो तांत्रिक कहता है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम क्यों भाग रहे हो और तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। मेरी बात सुनो, रोशन और प्रिया दोनों मिले हुए हैं और प्रिया सिर्फ अमर होने के लिए लोगों को मारती जा रही थी। उसे अपनी पूजा के लिए कई सारे जानवर और लोगों की लाशें चाहिए थी और इसीलिए ही प्रिया ने खुद के जादू से ही एक रक्त पिशाच बनाया है और वो उस रक्त पिशाच की मदद से लोगों को मरवाती है और उन लाशों का उपयोग वो अपनी पूजा में करती है। जब 25 साल पहले लोगों ने प्रिया को मार दिया था तब प्रिया की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और प्रिया की आत्मा वापस आई और इस बार प्रिया की आत्मा में इतनी शक्ति है और उसकी इन शक्तियों के कारण ही अब रक्त पिशाच में भी इतनी ज्यादा शक्तियां हैं। एक दिन रोशन प्रिया के मकान में रहने आया था। उसने दरवाजे पर अपना बोर्ड लगा दिया था, मिस्टर रोशन, लेकिन वो घर पूरी तरीके से प्रिया की आत्मा से कैद था। इसीलिए एक दो दिन के अंदर अंदर ही रहस्यमय तरीके से रोशन की मौत हो गई थी और केसरगढ़ गांव में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। प्रिया अभी भी रोशन की आत्मा को वश में की हुई है ताकि कोई भी लोग जंगल में आए, रोशन के घर पर रुके और रोशन की मदद से प्रिया उन लोगों को मार डाले। फिर वो तांत्रिक आगे कहता है, सुमित अब भागने या डरने का वक्त नहीं है, आज की रात तुम्हें किसी भी हालत में उस रक्त पिशाच को खत्म करना ही होगा। इस बात पर सुमित कहता है, लेकिन कैसे? तभी तांत्रिक कहता है, रक्त पिशाच में प्रिया की आत्मा की शक्तियां हैं, अगर प्रिया को मार दिया जाए तो रक्त पिशाच की सारी शक्तियां वही खत्म हो जाएगी। फिर वो तांत्रिक आगे कहता है, रोशन के घर के बगल में ही रोशन और प्रिया की लाशें पड़ी है जो कि अब दफन हो चुकी है। तुम्हें इस घर के बाजू में जाकर वहां की मिट्टी को खोदकर उन हड्डियों पर तेल डालकर उन्हें जलाना होगा। इस तरह से प्रिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और रक्त पिशाच की सारी शक्तियां भी वहीं खत्म हो जाएगी। फिर तुम एक बड़े से हथियार से रक्त पिशाच पर वार करोगे और रक्त पिशाच का भी अंत हो जाएगा। तांत्रिक आगे बताते हुए कहता है, मैं केसरगढ़ गांव में पूजा करूंगा ताकि तुम इस योजना में सफल हो जाओ।
और रण विजय और तुम दोनों रक्त पिशाच को खत्म करने के लिए नील वन में जाओगे। और सुनो सुमित, याद करो गांव वालों की लाशों को, अपने दोस्त की लाश को, और मार दोस्त रक्त पिशाच को। ये सब सुनकर सुमित को अब गुस्सा भी आने लगा और वो बदले की आग में जलने लगा। और अब उसे प्रिया से और उस रक्त पिशाच से अपने दोस्त की जान का बदला लेना था। अब सुमित नील वन में जाने लगता है और तांत्रिक रण विजय से कहता है, जल्दी से जाकर तेल और माचिस का कहीं से भी इंतजाम करो और नील वन में जाओ। ये बोलकर तांत्रिक तुरंत केसरगढ़ गांव में पहुंच जाता है और पूजा के सामान को रख कर पूजा शुरू कर देता है और उनके आसपास केसरगढ़ गांव के लोग भी बैठ जाते हैं। अब सुमित भागते भागते नील वन के कुछ अंदर चला जाता है, तब उसे एक हथियार दिखता है। वो एक बड़ी सी रॉड थी। वो उसे उठाकर रक्त पिशाच की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। अचानक से सुमित को प्रिया दिखाई देती है और फिर पता नहीं सुमित को क्या होता है, वो पूरी तरीके से सम्मोहित हो जाता है और प्रिया के पास जाने लगता है। जैसे ही वो प्रिया के नजदीक पहुंचता है, प्रिया उसका गला पकड़कर उसे हवा में उड़ाकर एक पेड़ के पास पहुंचती है और जोर जोर से कहने लगती है, तू मुझे मारेगा। और प्रिया बहुत जोर से सुमित का गला दबाने लगती है। केसरगढ़ में वो तांत्रिक लगातार पूजा किए जा रहा था। अचानक से केसरगढ़ के लोगों में से 3-4 लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। कोई बेहोश हो जाता है, लेकिन इस बात पर भी तांत्रिक कहता है, कोई यहाँ से नहीं उठेगा जब तक रण विजय और सुमित उस रक्त पिशाच को खत्म करके केसरगढ़ में वापस नहीं आ जाते, यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा। और अचानक से धीरे धीरे केसरगढ़ के और भी बहुत सारे लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। वो तांत्रिक कहता है, ये सब रक्त पिशाच का छलावा है, जैसे ही रक्त पिशाच खत्म होगा सब के सब सही हो जाएंगे। और वो फिर से मंत्रोच्चारण करने लगता है। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, केसरगढ़ के लोग भी वैसा ही कर रहे थे और कोई वहां से नहीं उठ रहा था और यहाँ बस सुमित की जान जाने ही वाली थी। तभी पीछे से रणविजय आता है। उसकी जेब में माचिस होती है और हाथ में पेट्रोल की बोतल और दूसरे हाथ में फावड़ा। वो जल्दी से रोशन के घर के पास जाता है और वहाँ खोदने लगता है। उसे रोकने के लिए रोशन की आत्मा और रक्त पिशाच भी वहाँ आ जाते हैं। रोशन की आत्मा उसे हानि पहुँचा रही होती है। रक्त पिशाच उसके गले पर अपने दांत गदाकर उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर रणविजय जैसे तैसे करके उस मिट्टी को खोदता है और वहां 2 कंकाल मिलते हैं। वो जल्दी से पेट्रोल की बोतल खोलता है और उन कंकालों के ऊपर डाल देता है। और जब तक ही रणविजय माचिस की तीली जलाता है, तब तक रक्त पिशाच उसका सारा खून पी चुका होता है और वहीं पर रणविजय की मौत हो जाती है। और यहाँ दूसरी जगह केसरगढ़ में 1-2 आदमियों की मौत भी हो चुकी थी। वो रात सचमुच में कयामत की ही रात थी। तभी सुमित को एक आइडिया आता है। वो वहीं आंखें बंद करके पेड़ से लटक जाता है ताकि प्रिया की आत्मा को ये लगे कि उसने सुमित को मार डाला है और वो उसे छोड़ दे। जैसे ही प्रिया की आत्मा को ये लगा कि सुमित मर गया है, प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है और सुमित को जोरदार धक्का दे देती है और सुमित सीधा उन कंकालों के पास ही जाकर गिरता है। और किस्मत की बात ये थी कि सुमित के पास में ही वो माचिस का डब्बा भी पड़ा था। वो जैसे तैसे करके जल्दी से माचिस जलाता है और उन दोनों के कंकाल के ऊपर फेंक देता है और देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर अंदर ही दोनों कंकाल जलने लगते हैं और रोशन और प्रिया की एक जोरदार चीख के साथ पूरा जंगल गूंज उठता है और उनकी आत्मा हवा में उड़ जाती है और रक्त पिशाच की भी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है। सुमित ये सब देखकर बहुत खुश होता है, पर उसे इस बात का गम था कि रण विजय ने भी अपनी जान गवा दी। वो जैसे तैसे खड़ा होता है। अभी भी रक्त पिशाच जिंदा था।
वो सोचता है कि बस अब इस हथियार से रक्त पिशाच पर वार करना है और फिर वो रक्त पिशाच भी खत्म हो जाएगा। तभी उसे याद आता है कि जब प्रिया ने उसे जोरदार धक्का दिया था तब उसका वो हथियार नीचे गिर गया था। अब वो फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित घबराते हुए जैसे तैसे उस हथियार को रास्ते में ढूंढ रहा होता है और तभी अचानक से वो भयानक रक्त पिशाच उसके सामने आ जाता है। लेकिन अब वो पिशाच सुमित का खून नहीं पी सकता था क्योंकि अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन रक्त पिशाच सुमित को मारकर उसकी जान जरूर ले सकता था। और इसी के साथ वो रक्त पिशाच सुमित की शर्ट का कॉलर पकड़ता है और उड़कर उसे एक पेड़ की ओर धक्का देता है। सुमित को काफी जोरदार चोट आती है और वो सीधा पेड़ से नीचे आकर गिरता है। रक्त पिशाच उसे फिर से पकड़ता है और दोबारा उसे धक्का देता है और ऐसे ही रक्त पिशाच बार बार सुमित को मारे जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया जब सुमित पूरी तरीके से अधमरा हो चुका था, घायल हो चुका था। अब रक्त पिशाच अपनी डरावनी आवाज में सुमित को जोरदार उछालता है और सुमित अब सीधा ही उसी हथियार के बाजू में जाकर गिर जाता है। अब सुमित जल्दी से उस हथियार को उठाता है, लेकिन तभी वो रक्त पिशाच उसे दोबारा पेड़ की ओर धक्का देता है और वो सीधा पेड़ के ऊपर जाकर गिरता है और वो पिशाच हवा में उड़ रहा होता है। हवा में उड़ते हुए वो बहुत तेजी से सुमित की ओर आगे बढ़ रहा था। अब पिशाच ने वो हथियार अपने हाथ में ले लिया था और अब वो सुमित की ओर वार करने ही वाला था। अब अगले एक मिनट में या तो सुमित नहीं या तो रक्त पिशाच नहीं, और अब वो रक्त पिशाच पूरी ताकत के साथ सुमित की ओर आगे बढ़ता है और उस हथियार को जैसे ही फेंकता है सुमित साइड हो जाता है और वो हथियार जाकर सीधा नीचे गिर जाता है। अब सुमित तो उसके वार से बच चुका था, पर वो रक्त पिशाच हार मानने वाला नहीं था। वो दोबारा उसके नजदीक आने लगता है, लेकिन अब सुमित जोरदार चिल्लाकर उस हथियार को अपने हाथ में लेता है और जैसे ही वो पिशाच उसके पास आता है तो सुमित उस रॉड को रक्त पिशाच के पेट के अंदर डाल देता है और अब उस रक्त पिशाच की भी मौत हो चुकी थी। लेकिन सुमित अब बहुत ज्यादा गुस्से में और दर्द में था, इसीलिए वो उस लोखंड की रॉड को लेकर बार बार उस रक्त पिशाच पर वार करने लगता है। सुमित उस रक्त पिशाच पर बार बार वार करके अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। लेकिन अब कुछ ही देर बाद अचानक से उस रक्त पिशाच का शरीर पूरी तरीके से राख में तब्दील हो जाता है और एक तेज हवा के झोंके के साथ वो राख वहां से उड़कर कहीं और चली जाती है। अब सुमित बहुत खुश होता है और लंगड़ा कर जैसे तैसे केसरगढ़ गांव में वापस पहुंचता है। जितने भी लोग केसरगढ़ गांव में बेहोश हो गए थे अब वो सब पूरी तरीके से सही हो चुके थे, लेकिन इस हवन के दौरान 2-3 लोगों की मौतें भी हुई थी। अब सुमित खुशी से केसरगढ़ गांव में पहुंचता है और जोर से चिल्लाकर सबसे कहता है कि मैंने रक्त पिशाच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और अब सुमित खुश भी होता है और दुखी भी, और सुमित की ये बात सुनकर सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब उस बात को 10 साल होने को आए हैं। सुमित आज भी फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी ही करता है। अब सुमित काफी ऊंची पोस्ट पर भी पहुंच चुका है। जब भी सुमित उस नील वन के बारे में याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज भी कई लोग कहते हैं कि हमें नील वन में रक्त पिशाच जैसा कोई आदमी दिखता है, लेकिन उसके बाद से किसी की भी मौत नील वन में नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है, रक्त पिशाच जिंदा है या मर गया? और अगर रक्त पिशाच जिंदा है तो अब वो लोगों को मारता क्यों नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी और आपको मेरा प्रयास पसंद आया या नहीं। तो चलिए इसी के साथ हमारी रक्त पिशाच की ये कहानी खत्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। कमेंट करके आपका फेवरेट टॉपिक मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके साथ अगर कोई हॉरर इंसिडेंट्स हुए हैं तो मुझे शेयर करने के लिए मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा।
तो मिलते हैं अब किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरे बाकी वीडियोस को भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके बाय।